हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा सा लेटली स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी लिटरली सुबह का 9:30 बज गया है, ठीक है। तो मम्मी पापा जा चुके हैं, मम्मी मतलब पापा मम्मी को ड्रॉप करने जा चुका है और मैं अभी उस घर से इधर पे आया हूँ, ठीक है। तो उठने में लेट नहीं हुआ है, बताता हूँ क्या हो रहा था। वहाँ पर साफ सफाई कर रहा था मैं सुबह से, तो अभी सब कुछ ठीक करके अभी मैं इस घर में आया हूँ। अभी फिर से मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा वहाँ पे, एक चीज़ मैं छोड़ के आया हूँ, तो अभी आके मुझे याद आया क्योंकि कैमरा इधर पे था, तो व्लॉग भी मुझे यहाँ पे आके स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इसी वजह से मैं फटाफट से आके अभी फिर से जाके वो चीज़ लेके फिर शायद से यहाँ पे नहा लूँगा, क्योंकि ड्रेस वगैरह सब कुछ है ही यहाँ पे। तो यहाँ पे नहा लेते हैं और फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ गाइस, ठीक है। तो आज जैसे कि मतलब कल जैसे कि मम्मी पापा का रूम सेट हो गया है, तो दिखा देता हूँ आप लोगों को एक ओवरव्यू सा। देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ सेट हो गया है, अलमीरा यहाँ पे, ये बिस्तर सब कुछ सेट हो गया है यहाँ पे। तो आज मेनली किचन, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम आज एक साथ करना पड़ेगा। तो मेन चैलेंज आज आएगा किचन रूम का, क्योंकि किचन का सारा सामान, कितना सारा सामान होता है आप लोगों को पता ही होगा, सो उसका एक चैलेंज होगा आज। तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलो गाइस, फटाफट से वो चीज़ मैं लेके आता हूँ, फिर नहाने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया अभी तक, तो मिलता हूँ, चलो। तो गाइस, सुबह का अभी 10:05 बज गया है और मेरा नहाना हो चुका है कंप्लीट। और मैं घर से आने के वक्त गाइस मैगी भी बना लिया था, मैं सोचा आज मैगी ही खाएंगे, ये बहुत सारा मैगी था, बनाना नहीं होता, टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैगी बना लिया हूँ। तो लेके आया हूँ मैं, अभी उसको पहले खाते हैं और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। किचन का भी कुछ थोड़ा थोड़ा सा सामान मैं भी खुद लेके आऊँगा। और कल तो गई संडे है, तो कल हमारे घर पे पूजा भी होगा, पूजा करके हम लोग परमानेंटली घुसेंगे, ठीक है। तो चलो गई, अभी किचन का कुछ कुछ सामान मम्मी वहाँ पे पैक करके रखा था, तो मैं कुछ लेके आता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइज, अभी दोपहर का 1:10 बज गया है, तो अभी मैं दीदा ने मुझे बुलाया कि लंच हम लोग के यहाँ पे ही कर लो, क्योंकि तुम लोग का तो काम है। तो इसी वजह से गाइस लंच मैं दीदा के घर पे करने जा रहा हूँ। सो लंच करते हैं और उसके बाद आज कुछ वॉलपेपर्स आने वाला है, तो देखते हैं अगर वो वॉलपेपर लगाने वाला अगर बंदा आज आता है तो सही हो जाएगा, ठीक है। और आज इतना दिन बाद मैं तो उसे गेमिंग सेशन किया हूँ, अच्छा लगा बहुत दिन बाद लिटरली, क्योंकि इतना काम है, ऊपर से अभी ब्लॉगिंग चैनल का ब्लॉग्स बनाना पड़ता है, ब्लॉग एडिट करना पड़ता है, तो टाइम नहीं मिलता है, तो इसी वजह से आज बहुत दिन बाद थोड़ा सा खेला हूँ मैं। तो अभी चलते हैं, लंच करके आता हूँ मैं और फिर आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं। चलो गाइस, दोपहर का अभी 2:30 बज गया है, तो मैं दीदा के घर से लंच करके आ गया हूँ बहुत ही पहले गाइस, ठीक है। तो अभी नया घर पर आ गया हूँ मैं। सो वॉलपेपर जो गाइस आज फ्लिपकार्ट से आने वाला था, अभी तक नहीं आया है गाइस, ठीक है। सो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। और कुछ स्टेंसिल वगैरह भी मम्मी ने ऑर्डर किया था, तो वो भी आज आने का ही डेट तो दिखा रहा है ऐप पे, लेकिन अभी तक आया नहीं है गाइस, ठीक है। तो अगर थोड़ा जल्दी आ जाता है तो मैं वॉलपेपर का उस लड़के को भी फ़ोन कर देता, वो आके लगा भी देता, लेकिन अभी तक आ नहीं रहा है। मेन इशू ये है गाइस, ठीक है। देखते गाइस कब तक आता है, तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करता हूँ। और फिर तो शाम को आज किचन, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम सब कुछ आज सेट करना है, और कल पूजा होगा, तो इसी वजह से गाइस आज बहुत सारे काम हैं। तो पहले वॉलपेपर के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर आ गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा गाइस, ठीक है। देखते हैं कब तक आता है। तो चलो आप लोगों से मैं मिलता हूँ कुछ ही देर बाद, चलो। तो गाइस अभी दोपहर का 3 बज गया है और जस्ट अभी आया है गाइस वॉलपेपर, दिखा देख सकते हो गाइस, ये वाला जो है देखो फ्लिपकार्ट से कितना सारा रूम है भारी है। तो गाइस सीन ये है कि वॉलपेपर जो लगाता है उसको मैंने फ़ोन किया था, तो वो बोला कि आज मेरा थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसी वजह से आज आ नहीं सकता हूँ। तो कल जैसे कि 12 बजे के बाद पूजा होगा, तो इसी वजह से मैंने उसको बोला कि ठीक है काम करो, तुम 12 बजे के पहले कल सुबह आ जाओ। तो वो बोला कि ठीक है कल सुबह मैं आता हूँ, तो कल सुबह आके वो लगा देगा, झमेला ख़त्म। चलो गाइस मिलता आप लोगों से। अभी तो धीरे धीरे से किचन का सारा चीज़ें पैकिंग हो रहा है वहाँ से, चलो। तो गाइस शाम के अभी 4:50 बज चुका है, मतलब लगभग 5 बज गया है गाइस, ठीक है।
तो मैं थोड़ा सा गाइस टायर्ड फील कर रहा था, तो इसी वजह से मैं उस घर पे और गया नहीं है। और मम्मी और पापा मिल के सारा सामान पैक कर रहे हैं, मुझे एकदम मन नहीं कर रहा था मेरा, मैं सो गया था बट से, तो अभी उठाओ फिर से नींद से गाइस। अभी चलता हूँ मम्मी के वहाँ पे और देखता हूँ अगर मम्मी लोग को कुछ हेल्प वगैरह का ज़रूरत हो तो मैं हेल्प कर दूँगा। और बाकी देख सकते हो मैं अभी मेरे बेलकोनी पे हूँ, सही लगता है बेलकोनी पे, इधर से रोड व्यू साउंड भी आ रहा होगा आप लोगों को, मस्त एकदम गाइस। ठीक है तो चलो अभी थोड़ा घर चलते हैं, फिर मम्मी लोग को अगर कुछ हेल्प चाहिए तो हेल्प कर देता हूँ। पैर इतना दुख जाता है ना मेरा पट से, मुझे बाद में ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पैर इतना दुख जाता है पट से पता नहीं क्यों। तो चलो गाइस मैं जाता हूँ अभी मम्मी लोग के पास, कुछ हेल्प अगर चाहिए तो हेल्प कर देता हूँ, और फिर आप लोगों से मैं डायरेक्टली शाम को ही मिलता हूँ। चलो सो गाइस धीरे धीरे से सामान लाना चालू हो गया है, मैं कुछ इम्पोर्टेंट किचन का सामान ला रहा हूँ, जैसे कि इंडक्शन बोल लो, फिर माइक्रोवेव बोल लो, वो सब कुछ मैं ही ला रहा हूँ। अभी इंडक्शन ला लिया हूँ, अभी माइक्रोवेव लाने के लिए जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि वो लोग वो अच्छी तरीके से नहीं ला पाएंगे ना, करंट का चीज़ है सब कुछ। तो चलो मैं लेके आता हूँ वो सब, और आप लोग ब्लॉग को देखते रहो और ब्लॉग को शेयर भी करना, आप लोग शेयर करना भूल जाते हो और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मैं लेके आता हूँ। सो गाइज अभी सामान आना शुरू हो गया है किचन का कुछ कुछ, तो वो लोग लेके आ रहा है। ठीक है तो मैंने तो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें तो ला दिया था तभी, अभी वो लोग ला रहा है सारा चीज़, आप लोग भी दिखाता हूँ, देखते कब तक ये ख़त्म होता है। आज मतलब पूरा सोफ़ा से लेके डाइनिंग, वो क्या बोलते उसको, डाइनिंग टेबल से लेके सब कुछ आ जाएगा। चलो गाइस आज लिटरली बहुत काम है, देख सकते हो अभी से इतना ही सामान है, अभी बहुत सारा सामान आना तो बाकी ही है। सो गाइस अभी रात के इधर पे कितना बजा है, आठ बजने वाला है, और तो अभी सारा चीज़ यहाँ पे सेट हो गया, मम्मी और मैं इधर पे कर रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, सब जबरा हो रखा है। लेकिन ड्राइंग रूम फिर भी थोड़ा सा सेट हुआ है, जैसे कि सोफा सेट, फिर ये वाला सेट, ये सब सेट हुआ है। लेकिन अभी चलो गाइस अभी यहाँ पे मम्मी के साथ हेल्प करता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ, बहुत टायर्ड हो गया हूँ लेकिन अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। तो गाइस रात के अभी बज चुका है नौ गाइस बज चुका है, अभी तक काम नहीं हुआ है किचन का, पकड़ लो गाइस 40-45% काम हुआ है, अभी भी थोड़ा बाकी है, बहुत ही बाकी है। और उसके बाद ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम ये सब तो पकड़ा ही नहीं अभी तक, दिखाते कितना तक सेट हुआ है, ज़्यादा सेट नहीं हुआ है, पर गाइस देख सकते हैं ये सब सेट करना बाकी है, और बाकी किचन का तो पूरा हुआ है, पर बहुत ही मैक्सिमम हो गया, लेकिन मेरा ड्राइंग रूम वगैरह सेट हुआ सब करेंगे, पहले ये फिनिश करते हैं उसके बाद वो सब सेट करने में मम्मी को हेल्प करता हूँ, और फिर डायरेक्टली जब सब कुछ सेट हो जाएगा तभी मिलता हूँ, लोगों को दिखाऊंगा भी कैसा लग रहा है फिनिश प्रोडक्ट। सो गाइस अभी रात के इधर पे कितना बजा है भाई, देख सकते हो गाइस 9:35 बज गया है यहाँ पे, और अभी बहुत सारा काम बाकी है लिटरली, तो कुछ चीज़ें सेट हुआ है अभी, तो और भी काम बाकी है गाइस, शायद से तो आज रात 12 पक्का बजेगा एकदम से। ठीक है बहुत टाइम लगेगा क्योंकि अभी तक तो ड्राइंग रूम पकड़ा ही नहीं है, वो डाइनिंग स्पेस में जितना भी काम था वो सभी कर रहा है, तो सारा चीज़ मैं ला के मम्मी को दे दिया हूँ, अभी मम्मी से वापस सेट कर रहे हैं सारा चीज़ें। आज व्लॉग भी शायद से बहुत ही रात को ही एडिट करना पड़ेगा, लगभग एक डेढ़ बजे दो बजे बज ही जाएगा, क्योंकि इधर पर बहुत सारा काम है और मैं पट से अभी छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए मम्मी को हेल्प करना पड़ेगा, बहुत सामान है ना। तो चलो मम्मी का हेल्प करता हूँ मैं, और फिर आप लोगों से मिलता हूँ जब पूरा सेट हो जाएगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। सो गाइस अभी रात के देख सकते हो यहाँ पे सामने 11 समथिंग बज गया है, सो अभी सेट हो गया है लगभग
बहुत ही सेट हो गया है, लगभग 80-85% सेट हो गया है। थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसके साथ, देख सकते हो गाइस यहाँ पे किचन सेट हो गया है। फिर यहाँ पे जो सेंटर टेबल मतलब डाइनिंग टेबल डाइनिंग रूम भी सेट हो गया है यहाँ पे। और बाकी ये ड्राइंग रूम ही सेट हुआ है, पर अभी भी कुशन वगैरह ठीक नहीं किया है, ऐसे नॉर्मली ये सब कुछ सेट हो गया है गाइस। मेन चीज़ें सब कुछ सेट हो गया है, तो अभी फटाफट से थोड़ा नहा लेता हूँ, वाटर ऐड फिर कर लो, फिर ही मिलता हूँ सब लोगों से। सो हे गाइस, अभी रात के बज चुका है पक्का वाला 11:45 गाइस रात के। तो अभी भाई साहब बहुत कुछ सेटअप हो गया है, और अभी तक ना इवनिंग में कुछ लिया है और ना ही गाइस अभी तक डिनर किया है। तो अभी डिनर करने जाऊंगा मैं घर पे, मेन घर पे। तो उसके पहले गाइस व्लॉग को भी एडिट करना पड़ेगा, अपलोडिंग में दे देना पड़ेगा, मतलब लगभग यहाँ से मैं निकलूँगा 12:30 बजे तक, क्योंकि अभी एक घंटा तो मतलब एक घंटा गया, 20-25 मिनट तो मुझे लग ही जाएगा व्लॉग मतलब व्लॉग को एडिट करने के लिए। सो टाइम रहेगा गाइस, ठीक है। और इतना नींद आ रहा है ना, मतलब आग बंद हो जा रहा है गाइस, ठीक है। आज बहुत मेहनत किया है, रूम से भी ज़्यादा मेहनत तो आज किचन और ये हॉल रूम ये सब कुछ सेट करने में ही है। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग भी आप एंड करते गाइस। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। देख सकते हो गाइस यहाँ पे किचन सेट हो गया है। फिर यहाँ पे जो सेंटर टेबल मतलब डाइनिंग टेबल डाइनिंग रूम भी सेट हो गया है यहाँ पे। और बाकी ये ड्राइंग रूम ही सेट हुआ है, पर अभी भी कुशन वगैरह ठीक नहीं किया है।